टियोटा की मोस्ट ड्यूरेबल एसयूवी देखे तो वो टियोटा लैंड क्रूजर आ जाती है। टियोटा लैंड क्रूजर अपने फीचर्स, अपने ड्यूरेबिलिटी, अपने रीसेल और अपने फीचर्स की वजह से काफी फेमस है। टियोटा लैंड क्रूजर इंटरनेशनली काफी सेल होती है। वजह यह है कि टियोटा लैंड क्रूजर एक तो टियोटा कंपनी की गाड़ी है, दूसरा के इस गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, फीचर्स, रिलायबिलिटी और रीसेल, ये सभी चीजें बेस्ट है। टियोटा लैंड क्रूजर पाकिस्तान में भी इस वजह से काफी सेल होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टियोटा लैंड क्रूजर के बारे में। बेसिकली ये कोई नॉर्मल टियोटा लैंड क्रूजर नहीं है, इसमें आपको कार्बन फाइबर की किट भी नजर आएगी, उसके अलावा यहाँ पे एक अलग से बॉडी किट नजर आएगी। नॉर्मल आपने टियोटा लैंड क्रूजर तो वहां पे आप देख सकते हैं बैक पे आपको हर कलर में टियोटा लैंड क्रूजर मिल रही है, लेकिन उसमें ये बॉडी किट नहीं, उसमें मोडिलिस्सा किट मिलती है, इसमें आपको दूसरी किट मिलती है। इस वीडियो को साथ कहते हो जानते टोयोटा लैंड क्रूजर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बेसिकली ये 2020 का मॉडल है और फ्रेश इंपोर्ट 2024 की है। वीडियो को साथ कहते देखते हैं ये गाड़ी कहाँ पे अवेलेबल है और इस गाड़ी की डिमांड क्या की जा रही है। ये गाड़ी अवेलेबल है विजन मोटर्स कराची पे। विजन मोटर्स कराची पे भी 2024 का फ्रेश स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पे 660 सीसी, 1000 सीसी और एसयूवी इस कैटेगरी के अंदर आपको हाई जैपनीज व्हीकल और जर्मन व्हीकल्स मिल जाएगी। इंजन की तरफ आए तो टोयोटा लैंड क्रूजर के अंदर 4.6 लीटर का V8 इंजन दिया जाता है। इंटरनेशनली इस गाड़ी के अंदर 5.7 लीटर का V8 इंजन भी मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में टैक्सीज की वजह से 4.6 लीटर V8 इंजन वाली गाड़ियां आती है। फ्रंट प्रोफाइल से अगर हम लोग गाड़ी के लुक्स को देखते हैं तो वो काफी यूज और काफी अग्रेसिव आ जाती है। और ये लैंड क्रूजर की LC 200 सीरीज है। इस फेसलिफ्ट को 2016 में लॉन्च किया गया था और 2016 से 2021 तक आई थी ये गाड़ी, और 2021 जून के अंदर एक न्यू लैंड क्रूजर को लॉन्च किया गया था जिसको LC 300 का नाम दिया गया था। पाकिस्तान में उसकी कीमत पहले तो काफी ज्यादा थी, तकरीबन 12 करोड़ रुपए की भी बिकी थी, लेकिन अब वो गाड़ी आपको 6.5 से 7.5 करोड़ रुपए के अंदर 2021-2022 के मॉडल्स अवेलेबल मिल जाते हैं पाकिस्तान में LC 300 के। ये गाड़ी भी पाकिस्तान में 5.75 करोड़ रुपए के प्राइस में मिल जाती है। फ्रंट पे डुअल बाइजोनोन प्रोजेक्टर लैंप्स मिलेगा जिसमें ऑटो का फीचर दिया जाता है और ये एडेप्टिव लाइट से इसमें ऑटो का फीचर डे नाइट वाला भी मिलेगा जो डे नाइट को सेंस करके ऑन या ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा अगर फ्रंट पे कोई पेडेस्ट्रियन या तो कोई गाड़ी आएगी ये ऑटो लेवल भी करेगा। उसके अलावा यहाँ पे DRLs आप देख सकते हैं, टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं। फ्रंट पे इस गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स भी मिलेगा। ये गाड़ी रेडार और एडास के फीचर्स भी ऑफर करती है। 360 कैमरा भी मिलेगा। काफी फीचर्स इस गाड़ी के इंटीरियर पे मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी में बॉडी किट अवेलेबल मिल जाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोग लैंप्स LED में मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्रोम की बॉडी किट मिल जाती है और यहाँ पे काफी ज्यादा ग्रे मेटेलिक का यूज किया हुआ, बहुत जबरदस्त लगता है। और यहाँ पे कार्बन फाइबर की किटिंग आप देख सकते हैं, जिस तरह मोडिलिस्सा किट मिलनी चाहिए वहाँ पे मोडिलिस्सा किट नहीं इसमें मिल रही, उस पर कार्बन फाइबर की मिल रही, जो कि इस गाड़ी की लुक्स को काफी अग्रेसिव लुक देती है। फ्रंट ग्रिल की तरफ आ जाए तो इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल क्रोम और ब्लैक कलर में मिलेगी। फ्रंट पे टोयोटा लोगो मिलेगा जो रेडार को इंक्लूड करता है। उसके अलावा 360 व्यू कैमरा मिलता है जो कि फ्रंट कैमरा के साथ मिल जाता है। ये गाड़ी रेडार भी ऑफर करती है और एडास के फीचर्स भी ऑफर करती है और यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल से गाड़ी के लुक्स को देखें तो काफी यूज आ जाती है। वजह यह है कि ये टोयोटा की एक फुली एसयूवी है जो कि काफी जबरदस्त फीचर्स के साथ आती है। इसके बाद जो कि टोयोटा की मोस्ट लग्जूरियस एसयूवी देखते हैं तो वो टोयोटा की लेक्सस LX570 आती है। लेक्सस एक टोयोटा का प्रीमियम ब्रांड है, तो अगर वो वाले रिव्यूज भी आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके लेक्सस के भी रिव्यूज देख सकते हैं। उसमें LX600 का रिव्यू भी मैंने शूट किया है, उसके अलावा लेक्सस LX570 का भी। इस गाड़ी की हाइट और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा है। 20 इंचेस के मैसिव व्हील्स मिल जाते हैं जिसपे वेंटिलेटेड डिस्प्ले, एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, EBD ब्रेक्स और साथ इसमें हाइट सस्पेंशन भी दी जाती है। सिल्वर और ग्रे मेटेलिक कलर में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। डुनलॉप का टायर इसमें मिल जाएगा। साइड मिरर्स यहाँ पे बॉडी कलर मिल जाएगी, पिलर माउंटेड मिल जाएंगे, 10 इंडिकेटर्स मिलेंगे। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फीचर भी दिया जाता है, ऑटो डिटेक्टेबल एडजस्टेबल मिल जाते हैं, उसमें हीटेड का फीचर भी दिया जाता है। इस गाड़ी में 360 कैमरा भी मिल जाता है और पडल लैंप्स भी मिल जाते हैं। अब एक साइड मिरर के अंदर आपको इतने फीचर्स मिलते हैं। क्रोम डोर लैशेज मिलेंगे, स्मार्ट एंट्री का सिस्टम मिल जाएगा। अभी गाड़ी की की अंदर है तो गाड़ी बीप अलार्म दे रही है। और इस गाड़ी में सिर्फ यहाँ पे स्मार्ट एंट्री का सिस्टम नहीं दिया जाता, ये टोयोटा की एक प्रीमियम एसयूवी कह सकते हैं, तो यहाँ पे भी स्मार्ट एंट्री का सिस्टम मिलेगा। मैं यहाँ से भी गाड़ी को लॉक कर सकता है, लेकिन अभी गाड़ी की अंदर है तो अभी लॉक नहीं होगी, बीप अलार्म दे रही है। यहाँ पे क्रोम की स्ट्रिपिंग देख सकते हैं, फुटट्रेस इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ करेक्टर लाइंस आप देख सकते हैं गाड़ी की। प्रोफाइल पे इसकी लुक्स को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस गाड़ी में रूफ रेल्स आप देख सकते हैं। रूफ रेल्स से इसकी हाइट काफी ज्यादा लगती है, साथ यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉइलर आ जाता है। उसके अलावा नीचे जैसा कि देखिए इस गाड़ी में आपको टो करने के लिए एक बहुत जबरदस्ती मेटल की आपको एक रोड दी जा रही है जो कि किसी भी गाड़ी को पुल कर सकती है और काफी हैवी लोड भी एडजस्ट कर लेगी, इसको कोई मसला नहीं होगा। देख सकते हैं आप, ये चीज आपने नॉर्मल लैंड क्रूजर में नहीं देखी, ये आफ्टर मार्केट जापान में किसी ने इंस्टॉल करवाई होगी, तो ये पाकिस्तान जब आती है तो साथ उसी से आती है। एयर पार्किंग सेंसर्स भी बम्पर पे मिल जाएगी, यहाँ पे एक लाइट मिल जाएगी जो कि ब्रेक लैम्प कह सकते हैं। LED लावा टेल लैम्प्स मिलेंगे, LED कंप्लीट मिलते हैं, ZX की ब्रांडिंग टॉप ऑफ द लाइन है तो ZX की ब्रांडिंग मिलेगी। रेयर वाइपर आता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, स्पॉइलर, लैंड क्रूजर की ब्रांडिंग और वहाँ पे V8 की ब्रांडिंग आती है। इस गाड़ी में ऑटो ट्रंक दिया जाता है। अभी अंदर से पावर डोर ऑफ का बटन ऑफ था तो मैंने बटन को प्रेस किया था, ट्रंक ओपन नहीं हुआ था, मैनुअली करना पड़ रहा था, लेकिन अभी मैंने बटन को ऑन कर दिए तो इसका आप ट्रंक देख सकते, ये ऑटो ओपन हो जाएगा।
लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है ताकि आप थोड़ा सा दूर हो जाएं, आपको लग ना सके, तो इस वजह से ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी दी जाती है। इसके हम नीचे सेकंड डोर को भी ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ से आप अब कुछ इसकी लुक्स देख सकते हैं। ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर हम बैठ भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोड भी एडजस्ट कर लेगी। ये गाड़ी 7 सीट ऑप्शन के साथ आती है, ब्रूनो रूम के साथ आती है। इसमें बेज रूम भी मिलेगा, ब्लैक रूम भी मिलेगा। ये स्पेसिफिक गाड़ी ब्रूनो रूम के साथ, जो कि काफ़ी हाईली डिमांड रूम आजकल पाकिस्तान में भी चल रहा है। देखिए ट्रंक में ऑटो फीचर दिया जाता है, तो इसको मैं अभी थोड़ा सा हाफ क्लोज करूँगा, तो आप देखेंगे खुद क्लोज करेगी। ये देख सकते हैं खुद क्लोज करेगी। बाकी इसमें ऑटो ट्रंक मिलता है, तो मैं इसको अगर इस तरह बटन से प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक खुद क्लोज हो जाएगा, ये ऑटो फीचर। अगर इसमें हाथ भी आएगा किसी का तो ये गाड़ी का ट्रंक रुक जाएगा। तो ये फीचर लैंड क्रूजर में या तो और किसी एसयूवीज में मिलता है जो कि ऑटो ट्रंक होगा, उसमें ये आप हाथ भी डालेंगे ये रुक जाएगा ट्रंक। तो अभी मैंने जिस तरह इसको वापसी क्लोज़ किया तो ये क्लोज हो गया। लैंड क्रूजर की अगर आप रेयर सीट्स को देखते हैं तो ये सिर्फ हीटेड में मिलेगी। फ्रंट सीट्स आपको हीटेड वेंटिलेटेड मिलेगी, रेयर सीट सिर्फ हीटेड में मिलेगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह आप देखें। थोड़ा सा अगर मैं इसको आगे करना चाहता हूँ तो मैं इसको आगे भी लेके जा सकता हूँ, और अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करना चाहता हूँ ये इस तरह हो जाती है जैस। उसके अलावा ये गाड़ी 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करेगी। यहाँ से हम अलग से क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर सकते हैं, हीटेड सीट्स ऑन कर सकते हैं, फ्रंट पे हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं और क्लाइमेट को अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर पे मल्टीमीडिया के लिए स्क्रीन भी दी जाती है। ट्यूटा लैंड क्रूजर के अंदर 10 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी, जिसमें हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लंबा सपोर्ट भी मिलेगा और यहाँ पे इसकी थाई सपोर्ट भी मिल जाता है। इसको थाई सपोर्ट को अगर आप इस तरह थोड़ा सा अपसाइड पे करते तो इस तरह इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। तो ये टोयोटा लैंड क्रूजर की काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है, और इसकी सीट्स के अंदर आपको काफ़ी फीचर्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिक सीट्स मिलेगी, लंबा सपोर्ट मिलेगा, थाई सपोर्ट मिलेगा, मेमोरी फंक्शन सीट्स मिलेगी, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी। इस तरह से काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर पे आते हैं तो इस गाड़ी के इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा फीचर से लोडेड है। सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट का बटन मिल रहा है, और यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की लाइट भी आप देख सकते हैं ऑन हो चुकी। वजह यह है कि इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया जाता है। वुडन की फिनिशिंग मिलेगी, लेदर सीट्स मिलेगा, और गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग व्हील का भी फंक्शन दिया जाता है। एयरबैग आ जाता है, इस तरफ हॉर्न आ जाता है, मल्टीमीडिया के कंट्रोल आते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं एमआईडी स्क्रीन के कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, एंटी कोलिजन सिस्टम के बटन्स भी मिल जाते हैं। इस तरफ इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि एडेप्टिव मिल जाता है क्योंकि ये गाड़ी एडास फीचर्स के साथ भी आती है। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है, जिसको इस तरह से इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एडजस्ट। इस गाड़ी में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, तो इस वजह से ऑटो का बटन मिल जाएगा, और इस तरफ ऑटो लैंप्स दिए जाते हैं, इधर भी ऑटो का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे मिरर्स के कंट्रोल आ जाएंगे, आरएससीए मिलेगा जो कि रोल सेंसिंग, कर्टन एयरबैग का फीचर, ऑटो लैंप्स के बटन आ जाते हैं, और पार्किंग सेंसर्स के बटन आ जाते हैं। 180 किलोमीटर पर आवर का स्पीडोमीटर मिलेगा, आईपीएम गेज, फ्यूल गेज, बैटरीज की हीटिंग की कैपेसिटी गाड़ी बताएगी। 45,000 किलोमीटर गाड़ी ड्रीवन है, और ये सिर्फ जापान में ही ड्रीवन है। और बाकी अगर हम लोग इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन देखते तो अभी यहाँ पे गाड़ी एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन देती है। एवरेज के साथ अगर आप यहाँ पे कार सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे गाड़ी स्टीयरिंग व्हील की इन्फॉर्मेशन देगी, लेन डिपार्चर वार्निंग या क्रूज अगर ऑफ होगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गाड़ी देती है। यहाँ पे लेन डिपार्चर वार्निंग मिलेगा, बीएसएम जो फीचर है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का है, आईसीटी है, बेसिकली रेड क्रॉस ट्रैफिक लाइट होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं, गाड़ी के रिवर्स पे कोई ऑब्स्टेकल आएगा, अचानक से कोई ट्रैफिक क्रॉस हो रही होगी तो गाड़ी इमरजेंसी ब्रेक करेगी। फ्रंट कोलिजन मिलेगा, लेन डिपार्चर, लेन असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स, इस तरह के एडास के फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाते हैं। और यहाँ पे आप एक बटन देखेंगे, इसको मैंने दबाया तो यहाँ पे देख सकते हैं 360 व्यू कैमरा मिलता है। ये गाड़ी 360 कैमरा भी ऑफर करती है, जो कि काफी अच्छी रेजोल्यूशन के साथ आ जाते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं इस तरफ DVD-R पहले से गाड़ी में इंस्टॉल मिल जाते हैं। इंटीरियर पे रूम स्पेस भी इस गाड़ी में काफी यूज मिल जाती है। इस गाड़ी के इंटीरियर भी काफी स्पेशियस है। सेंटर कंसोल पे देखते हैं तो सेंटर कंसोल पे भी काफी जबरदस्त फीचर्स मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन की तरफ आए तो ये मल्टीमीडिया स्क्रीन एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगी, एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगी, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एवेंस आ जाते हैं, हेजलाइट स्विच, क्लॉक, और यहाँ पे देख सकते हैं इस गाड़ी की क्लाइमेट को मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से भी करना चाहे स्क्रीन में भी ऑप्शन दी जाती है। यहाँ पे रेडियो के कंट्रोल आ जाएंगे, मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना चाहते हैं मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और इस तरफ देखते तो इस तरफ USB पोर्ट और कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। इस गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी दिया जाता है, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए, और एक अलग से ऑटो का फीचर दिया जाता है, जो कि इंटीरियर टेम्परेचर से ऑटोमेटिक गाड़ी सीट्स को एडजस्ट कर सकती है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करनी चाहिए या कूलिंग सीट्स ऑन करनी चाहिए। और यहाँ पे USB पोर्ट और AUX पोर्ट देख सकते हैं आप। ऑटो ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है, जिसमें मैनुअली गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं। 4x4 के कंट्रोल आ जाएंगे, यहाँ पे इस गाड़ी की सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, अपहिल असिस्ट कंट्रोल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल मिलेगा, डिफ लॉक आता है,
क्रोल कंट्रोल और मल्टी ट्रेन सिलेक्ट मिलता है, जिसके अंदर क्रोल कंट्रोल, सैन मोड, स्नो मोड, काफी ज्यादा मोड ऑफर किए जाते हैं। कम्फर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस मोड ऑफर किया जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा और यहाँ पे डिफलॉक मिल जाता है, इसीलिए सेकंड की ऑप्शन दी जाती है। हैंड ब्रेक इस तरफ आ जाती है इस गाड़ी में। कप होल्डर्स की तरफ आए तो यहाँ कप होल्डर्स आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी कूल बॉक्स भी ऑफर करती है, तो यहाँ पे हम देखें तो ये कूल बॉक्स का बटन आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में कूल बॉक्स भी दिया जाता है। इस गाड़ी में सनरूफ भी ऑफर की जाती है। एसओएस का बटन आ जाता है जो इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है। इंटीरियर लाइट्स आपको एलईडी में मिल जाएगी, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। ऑटो रिमी मिरर इस तरफ आ जाता है, उस तरफ देखते तो एडास के फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिए इस गाड़ी में 10 एयरबैग्स मिल जाते हैं, रेडार मिल जाता है, एडास के फीचर्स मिल जाते हैं, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी अपनी ऑफ रोडिंग, ड्यूरेबिलिटी, रीसेल और अपने फीचर्स की वजह से काफी फेमस है, तो इस वजह से ये गाड़ी काफी सेल होती है। विजन मोटर्स कराची पे विजिट करके इस गाड़ी को बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।